जहानाबाद पुलिस ने अत्यंत ही गुप्त सूचना के आधार पर फिर शराब की एक खेप बरामदगी की है। उसने टेटा ओपी मुख्यालय में एक कार पर लाद कर ले जा रहे 250 बोतल शराब की बरामदगी की है। इतना ही नहीं, ग्रे रंग की रेनॉल्ड क्विड गाड़ी एवं एक मोबाइल फोन की भी बरामदगी की है। पुलिस द्वारा इस सिलसिले में कारोबारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। टेटा ओपी में रविवार को इस बरामदगी की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार ने बताया कि शनिवार की रात एसपी मनीष को यह गुप्त सूचना मिली थी कि बिना नंबर के एक कार से अवैध रूप से अंग्रेजी शराब लाया जा रहा है। उसके आगे आगे ब्लू रंग के स्विफ्ट डिजायर नंबर BR1DJ7010 स्कॉट कर रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने ओपी अध्यक्ष सुधाकर कुमार एवं दारोगा संतोष कुमार के साथ ही सशस्त्र बलों के जवानों को छापेमारी करने का निर्देश दिया। एसपी के निर्देश पर NH-83 पर सत्यापन के क्रम में गया की ओर से एक ब्लू रंग की स्विफ्ट डिजायर कार पहुंची। इसके पीछे से ग्रे रंग का बिना नंबर वाली रेनॉल्ड क्विड कार आ रही थी। उसे पीछा कर टेटा बाजार में पकड़ा गया। गाड़ी से चालक भाग गया जबकि उस पर सवार दूसरे व्यक्ति को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान नगर थाना के देवरिया निवासी बलिराम उर्फ बंटी के रूप में की गई। चालक का नाम जहानाबाद पानी टंकी के समीप रहने वाले सौरभ कुमार तथा मालिक व शराब कारोबारी हुलासगंज थाना क्षेत्र के सुकियावा निवासी प्रकाश उर्फ राहुल बताया गया। इस संबंध में मखदुमपुर थाना कांड संख्या 228/18 अंकित किया गया है। पकड़े गए व्यक्ति आदित्य राज एवं दो अन्य नामजद सौरभ कुमार तथा चालक प्रभाकर प्रकाश के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। पूरा मामला है कि पुलिस अधीक्षक महोदय को ये सूचना मिली कि एक बिना नंबर की क्विड गाड़ी है जिससे लगभग एक दो दिन के अंतराल पे विदेशी शराब की ढुलाई होती है और उस गाड़ी को एक अन्य गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर स्कॉट करके ले जाता है। इस सूचना के लिए पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करने का आदेश SHO टेहटा को दिया। SHO टेहटा, सब इंस्पेक्टर संतोष और उनकी पूरी टीम ने NH पे चेकिंग लगाया। इसी क्रम में वो जो शराब से लदी हुई गाड़ी थी उसको रोका गया। रोकने के क्रम में SHO घायल भी हुए और ड्राइवर सहित 10 कार्टून शराब जिसमें कुल 250 बोतल विदेशी शराब है रॉयल स्टैंड की बरामदगी एवं गिरफ्तारी हुई। ड्राइवर ने बतलाया कि ये पूरा माल राहुल का था जो जहानाबाद शहर में रहता है, वही वहाँ का स्थानीय वितरक है और साथ ही उस गाड़ी को जो चला रहा था उसका भी नाम बतलाया है। क्या सर, ये सब लगातार रूप से लोग तस्करी कर रहे थे शराब की? गिरफ्तार छोटू के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये कार्रवाई बहुत दिनों से चल रही थी। क्या राहुल की गिरफ्तारी भी हो चुकी है? राहुल की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, छापामारी हुई है लेकिन वो भागने में सफल रहा है। क्या सर, तस्कर जो है वो SHO पे गाड़ी चढ़ाने का भी क्या प्रयास किया है? SHO उसको रोकने के क्रम में गाड़ी चालक ने पहले गाड़ी को धीरे किया और उसका इंटेंशन भागने का था जिसमें उसने SHO को जख्मी करते हुए धक्का मारते हुए। गाड़ी पर ड्राइवर के सिवाय और भी लोग थे जिसकी गिरफ्तारी हुई है और एक अन्य शराब मालिक जो थे जिसका मेन शराब था वो आगे वाले स्विफ्ट डिजायर से इसको स्कॉट करके ले जा रहे थे। क्या उनकी भी गिरफ्तारी हो गई? उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी पहचान स्थापित है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। वो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के किसी कर्मी का बेटा है। ये लोग कहाँ के रहने वाले जो तस्कर है? जहानाबाद थाना क्षेत्र के हैं।